गुड इवनिंग सर। योगेंद्र कुमार टेक योर सीट। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। यस सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मैंने सर प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय CTA एटा से, इसके बाद सर मैं गेल सुपर 100 से मेरा सिलेक्शन हुआ था IIT दे के लिए। फिर मेरा सर IITBHU से 2017 में सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया? सर आई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, एटा का मतलब क्या होता है? सर एटा जैसे कुछ स्टोरीज हैं उसमें बताया जाता है कि एटा का मतलब एक ऐसा वर्ड था, इसमें मीन्स गुस्से गुस्सेदार। जैसे एक कहानी है जो वहाँ के राजा हैं, एक एक जगह है, तो वो राजा जब अपनी कुत्ते के साथ जा रहे थे तो एक लोमड़ी थी, तो वो लोमड़ी जब भागने लगी तो उस कुत्ते उसके पीछा करने लगे, और जब एक जगह पर पहुंची तो जब कुत्ते वहां पहुंचे तो लोमड़ी का एकदम स्वभाव बदल गया। तो उन्होंने राजा ने देखा कि इसका स्वभाव कैसे बदल गया, तो जब ऐसा देखा कि बहुत एग्रेसिव हो गई तो एकदम एठा मीन्स गुस्सेदार, फिर वो धीरे धीरे फिर चेंज हो गया सर एठा की। और दूसरी स्टोरी ऐसा माना जाता है कि एक पर्सन था जो खो गया था, तो जब वो खोज कर रहा था पानी की तो फिर वो एक ईंट से टकरा गया, तो वो उससे भी एठा माना जाता है। अच्छा, अब सच क्या है सर वो? ठीक, एटा का कुछ ऐतिहासिक महत्व बताइए। ऐतिहासिक महत्व में सर जैसे बताते हैं सर कि एटा GT टैंक रोड के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरा सर सबसे बड़ी बात है कि 1857 में एटा ने बहुत योगदान दिया था। 1857 कौन नेता थे एटा में, क्या किया था? एक सर जो क्रांतिकारी थे उसमें नाम था चेतराम जाटव, उन्होंने सर बहुत बड़ा योगदान दिया था, फिर उनको बाद में अंग्रेजों ने मार दिया था। अच्छा, अभी अपने GT रोड की बात करें। यस सर, यस सर। GT रोड किससे बनवा था सर? ये पहले से सिल्क रूट से पहले से कनेक्ट था, लेकिन बाद में सिल्क रूट इसमें कहाँ से? सॉरी सर, सिरसा सूरी ने सर बनवाया था। कहाँ से कहाँ तक था ये सर? पहले तो स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश से होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक था। अभी भारत में क्या कहते हैं? अभी सर भारत में उसका नाम चेंज होके शायद NH-91 नेशनल, ओल्डेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-2 ओके, कलकत्ता से दिल्ली। ओके सर। और दिल्ली से अमृतसर NH-1। यस सर। ठीक है। ओके सर। बाघा बॉर्डर तक, उसके बाद पाकिस्तान पेशावर तक जाता है। ओके सर। बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, वहाँ एक जगह है सोनार गांव। यस सर। सोनार गांव से पेशावर तक, काबुल तक में। यस सर। वर्ल्ड का हाईएस्ट नेशनल हाईवे किस देश में स्थित है, सबसे ऊंचाई पर? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने सर पढ़ा था लद्दाख के बारे में कुछ पढ़ा था। अच्छा, तो उसका क्या नाम है सर? ये नहीं पता सर। NH-1A नेशनल हाईवे 1A। ओके सर। ठीक है, अमृतसर से जो सीधे जम्मू जाता है, जब वैष्णो देवी आप जाते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। ओके। और वो कहाँ तक जाता है? कारगिल तक। साल में 9 महीना बंद रहता है। मैम मेरा हॉबीज पहला तो घूमना है, और दूसरा सर मैं अपने खाली टाइम में मैम छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? जैसे मैं अभी रहता हूँ सर, मैम इटावा में रहता हूँ, तो वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाया। इससे पहले जब मैं दिल्ली में रहता था तब पढ़ाता था। ठीक है। आप ये घूमने में आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैम मैं घूमने में नॉर्थ ईस्ट में घूमा है मैंने, जैसे त्रिपुरा में घूमा था, कोलकाता में घूमा था, इसके अलावा दिल्ली घूमा हूँ, ये प्लेसेस कुछ घूमने हुए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स है ना? हाँ। कौन कौन से मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनसे आपने इंटरेक्शन किया होगा या उनके बारे में सुना होगा वहाँ पे? एक त्रिपुरा में मैम ब्रू ट्राइबल्स हैं। हाँ। उनका मैंने हैजावोरी डांस था वो देखा था। ठीक है। और आसाम में एक बोडो ट्राइब थी। हाँ। उनके बारे में सुना था लेकिन मिला नहीं था। अच्छा, बोडो ट्राइब क्यों फेमस रहता है हमेशा? मैम बोडो ट्राइब्स इनकी कुछ डिमांड्स थी कि अपने आप को मुझे लोकल बॉडीज बनाना है, अपने आप को एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे थे। दूसरा उनकी कुछ इकोनॉमिकल भी डिमांड्स थी, इसलिए नहीं उसमें रहता। तो व्हाई दे वर कॉल्ड एज बोडो मिलिटेंट्स? मैम जब जब
कोई पर्सन जब हर किसी की डिमांड्स होती हैं, जैसे हमारा इतिहास है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की तरह डिमांड की थी, जब वो पर्सन किसी गलत तरीके से करते हैं, जो मीन्स हथियार उठा लेते हैं, तब फिर उनको मिलिटेंट कहा जाता है। ओके, सो यू एग्री कि मतलब डिमांड्स जो वो कर रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हो उनकी स्पेसिफिक डिमांड थी, तो ये मिलिशिया जो बनाते हैं वो, डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम? मैम, मैं सिस्टम से, ऐसे सिस्टम से एग्री नहीं करता, लेकिन डिमांड्स को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जैसे बहुत से तरीके हैं, जैसे गांधी जी के तरीके से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी डिमांड्स को कर सकते हैं। Okay. ये यूपी में ट्राइबल्स का क्या स्टेटस है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? मैम, यूपी में ट्राइबल्स तो बहुत कम है, लगभग 0.6% है। जैसे कुछ इसमें ट्राइब्स हैं, जौनसरी ट्राइब्स हो गई, बक्सा ट्राइब्स हो गई, परसेंटेज बहुत कम है। आपने कहा है कि ये आपने ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी किया है, तो मान लीजिए जब हम कोई रोड डेवलप करते हैं, ठीक है, तो किस किस तरीके की इंजीनियरिंग एनालिसिस हम करते हैं, उसमें क्या टेक्निक्स है करने? सबसे पहले तो जब आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तो सबसे पहले सर्वे करना पड़ता है। सर्वे में वो सी चीज देखनी होती है, उसका वाटर लेवल कितना है और उसकी स्ट्रेंथ भी देखनी रहती है कि वहाँ का जो सॉइल है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा, उसमें सर्वे करके कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स पड़ेगा, ये भी देखना रहता है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट से उसके पूरा। तो आपने दो वर्ड सुने, बफरिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस। बफरिंग और नेटवर्क एनालिसिस, मैम पता नहीं, ये सुना? हाँ, ये सुना है। तो उसमें ये दो टेक्निक्स होती हैं, स्पेशली इन टर्म्स जब हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बफरिंग देखना होता है ना कि फ्यूचर में भी कहाँ तक इसका एक्सपेंशन पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि रोड बना दी और बाद में इतना ज्यादा वहाँ पे क्योस हो गया तो एक्सपेंड कैसे करोगे। तो बफरिंग एनालिसिस करते हैं और नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, रोड कहाँ से कहाँ जुड़ेगी, कहाँ से एग्जिट पॉइंट, कहाँ से, ठीक है। तो ये तो आपका इंजीनियरिंग का पार्ट है। यस मैम, बफरिंग। अच्छा, आप मान लीजिए आप एसडीएमए जिले के जो फ्लड से काफी प्रभावित होता है, ठीक है, अब आप सिविल इंजीनियरिंग की कौन सी टेक्निक्स वहां पे लगाएंगे टू कंट्रोल द फ्लड्स, व्हाट कंस्ट्रक्शन यू विल हैव? मैम थोड़ा दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। मान लीजिए फ्लड आता है आपके जिले में, बहुत आप सिविल इंजीनियरिंग से है तो आपको पता है कि फ्लड को रोकने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शंस की जा सकती है, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, तो वो कौन सी टेक्निक्स है, कैसे आप उनको लगा सकते हैं? मैम, एक तो टेक्निक होती है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते हैं खुद का, व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एम्बैकमेंट बनाते हैं, इसको लगा सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वार्निंग सिस्टम्स यूज करते हैं, तो पहले से डिसाइड करने की यहां बाढ़ आ सकती है, ये दो टेक्निक पता है जिनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, टॉप पे कौन है, उसके बाद कौन, हायरार्की जो होती है वो कैसी है? समझा नहीं मैं। बेटा, हर चीज की हायरार्की होती है, जैसे ऊपर पुलिस कमिश्नर होता है, कमिश्नर के अंदर फिर ऐसे करके, तो ऐसी जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है, वो कैसे, उसकी हायरार्की कैसे होती है, टॉप पे कौन होता है फिर? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उसको कौन हेड करता है? इसको एक मैं सोने नहीं, सेक्रेटरी कोई होता है, वो हेड करेंगे। फिर इसके बाद कमेटीज होती हैं, फिर ये कमेटी सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। इतना मुझे पता है, ये तो हायरार्की नहीं है बेटा। अच्छा, और यूपी के बारे में और क्या, फोक डांसेस कौन से वहाँ पे पांच में? फोक डांस में मैम एक तो कर्मा डांस है। कौन से डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट में मीन्स मैम सिंध, सोनभद्र रीजन में इसको करते हैं कुछ ट्राइबल्स। सोनभद्र को हम किसी और टाइटल से भी बुलाते हैं, टाइटल क्या है? सॉरी। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो डॉलर और रुपीज का चल रहा है एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, रुपया महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है इन कंपेयर टू डॉलर? मीन्स उसके कंपेयर में सर सस्ता हो रहा है ना, उसका इम्पैक्ट हम पर क्या पड़ता जा रहा है? इम्पैक्ट हम अपने पॉपुलेशन पर देखेंगे तो उनके लिए क्या वस्तु महंगी हो जाएंगी, लेकिन एक्सपोर्ट के टर्म में देखें तो हमारा एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो जाएगा, बाहर के लोग पसंद करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इम्पोर्ट का क्या हालत होगी? इम्पोर्ट सर ये हमारे लिए नेगेटिव होगा, हमारे लिए महंगा पड़ेगा सर। अच्छा, जो हम पे जो मेजर चीज आइटम इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्या उसका प्रभाव किस किस चीज पे पड़ेगा जनमानस पे? जैसे सर हम लोग क्रूड ऑयल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं सॉरी,
तो वो महंगा हो जाएगा। तो जितनी भी चीज़ रिलेटेड होगी इससे क्रूड सॉल्ट से उनकी महंगाई हो जाएगी। आजकल महसूस कर रहे हैं आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं खुद? सर मैक्सिमम चीज़ क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम उस एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, तो किसान के जितने प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम उनका कॉस्ट बढ़ गया है। अच्छा, अब इस पर आइए कि जो कोविड के टाइम में जो हमारी इकोनॉमी चली गई थी नीचे, अब क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब वापस आ गई पटरी पे, जो लोग माइग्रेट कर गए थे वापस आ गए, क्या जॉब मिल गई? जैसे सर डाटा देखते हैं, हाँ, इसमें दोबारा इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, जैसे जिसमें सर्विस सेक्टर हो गया, लेकिन ग्रोथ सर पॉजिटिव में है। अच्छा, बड़ी बड़ी नहरें कौन सी हैं हमारी जो लाइफ लाइन है हमारे एग्रीकल्चर के लिए? कौन सी नहरें? हाँ, कोई तीन नहर बताइए। मेजर कैनाल यूपी यमुना कैनाल है सर। यमुना कैनाल कहाँ से कहाँ जाती है? ये सर शोर नहीं पता, लेकिन दिल्ली से होते हुए आगरा होते हुए ये रीजन को कवर करती है। और आपके सर मुझे शोर नहीं। अरे भाई, आपके औरैया के बगल में भी तो जाती है। yes, ये नरोरा से निकलती हैं। yes, भोगनीपुर ब्रांच जाती है, नहीं जाती है? yes, तो इतनी बड़ी नहर है कि आप डर जाएं देख के। तो ये लाइफ लाइन है हमारी जो गंग नहर अपर डिवीजन। yes, और जहाँ रुड़की से निकलती हैं हरिद्वार से, और ये जो नरोरा से निकलने वाली है लोवर गंगा कैनाल। yes, कानपुर डिवीजन है, ये भोगनीपुर ब्रांच है। yes, जो आपके गांव के बारे में हो जाती हैं, इसके बारे में अभी नहीं था सर। अच्छा, कोई बात नहीं। योगेंद्र, आपका ऑप्शनल क्या था? सर मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, तीन वीकनेस बताइए अपनी। यस सर। वीकनेस वीक कमजोरियां सर? वीकनेस सर जो वीकनेस है, कभी कभी मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है। दूसरा सर इमोशनल थोड़ा वीकनेस है मेरी, लेकिन सर इन दोनों वीकनेस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप डीएसपी बन गए तो बंदूक? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ वीकनेस है जो मुझे लगता है कि इन पर काम करना चाहिए। कि गुस्सा ऐसा, जैसे बुद्ध जी ने बोला था कि गुस्सा हमारे लिए बहुत खतरनाक, हमारे हमारे माइंड की पीस के लिए खतरनाक। तो सर मुझे लगता है इस पर कंट्रोल करना चाहिए, काम करना चाहिए। और इमोशनल और एंगर दोनों एकदम अपोजिट है, तो या तो एंगर ज्यादा होगा या एकदम इमोशनल हो जाएंगे। नहीं सर, इमोशनल कभी कभी हो जाते हैं, जैसे कभी कभी मुझे देखना पड़ता है कुछ चीज़ इमोशनल है, वो ज्यादा हमारे लिए खराब हो जाती है। कई जगह मैंने देखा है, इसको फील किया है। अच्छा ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है? फंडामेंटल ड्यूटीज सर जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो पढ़ाना चाहिए, वो अमेंडमेंट हुआ था वो। तो अगर आपके पड़ोस में कोई माँ बाप है जो अपने बच्चे को नहीं भेज रहे स्कूल, तो आप उनको जाके क्या जेल में बंद कर सकते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज है वो नॉन जस्टिस वाला है, तो आप उस पर केस तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनको एक सजेशन दे सकते हैं कि एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उनसे बोल सकते हैं, केस नहीं लगा सकते सर। अच्छा, वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क सर ये मनपुर में है। और कौन सी लेक पे है? लोकटाल लेक। कौन से नदी का पानी आता है? सॉरी ये नहीं पता। त्रिपुरा और मणिपुर की हिल रेंजेस बताइए। त्रिपुरा और मणिपुर, आप घूमने गए ना वहाँ पे, इसके हिल रेंजेस बताइए। ल्यासा नाम में सर सुना था मणिपुर के आसपास। और सर त्रिपुरा का मुझे लग सकती है। तो ये जो हिल रेंजेस हैं, ये क्या हिमालय की एक्सटेंशन है या कुछ अलग चीज़ है? सर ये हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में आता है। नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन हिमालय का कहाँ से कहाँ तक है? इसमें सर जो म्यांमार का जो एक माउंटेन, उसका सर नाम मुझे नहीं आ रहा, वहाँ तक उसका। और कहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में? नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? ये सर वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और लास्ट में पूरा नॉर्थ ईस्ट का कवर करता है, म्यांमार तक टच करता है। अच्छा, और जो नॉर्दर्न हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक है?
नॉर्थन हिमालय सर ये पाकिस्तान रीजन को भी कवर करता है और कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी आता है। किसकी हाइट ज्यादा है, नॉर्थन हिमालय की या ईस्टर्न हिमालय की? सर एग्जैक्ट जो हाइट है मिडल हिमालय की, लेकिन कंपेयर हम जब अगर हम नॉर्थ और ईस्ट को करें करते हैं सर, तो मे बी सर नॉर्दर्न हिमालय की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इंडिया में कहाँ पड़ती है? सर कंचनजंगा शायद है, मुझे कंचनजंगा में या सर सियाचन में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में क्या अंतर है? सर एक्सप्रेसवे में क्या है कि उसमें लाइन 6 से 4 हो सकती है, और नेशनल हाईवे में कुछ एक्सप्रेसवे के कंपेयर में कुछ फैसिलिटी कम होती है, जैसे उसमें थोड़ा हाईटेक हो सकता है। दूसरा उसमें ग्रीनरी का भी फोकस किया जाता है एक्सप्रेसवे में, नेशनल हाईवे में कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे का जो टोल कलेक्शन है वो उसकी अथॉरिटी कौन है? नेशनल हाईवे का जो टोल कलेक्शन है उसकी अथॉरिटी कौन है? सॉरी सर, ये मुझे ठीक। जोगिंदर सबसे बड़ी बात है पहला चीज कि एक्स्ट्रा नहीं बोलना, हाँ बहन मुझे मार। हमने कुछ पूछा तो आप गांधी जी का उदाहरण दे रहे, गांधी जी पर 3 दिन इंटरव्यू चलेगा तो खत्म नहीं, ठीक है, समझ रहे बात? डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए, नहीं आता है सॉरी मैम सॉरी सर, ओके सर, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षा, ये आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, इस पे बात आ रही है। ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव है, लेकिन ये आपको है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर एक लाइन में हो सकता है तो आप उसको 3 लाइन में ले जाए, सब पे काउंटर क्वेश्चन होगा और आप फंसते जाएंगे। बार बार उंगली जो है दोनों हिल रहा है, उसको उंगली नहीं रहना, ये पोस्चर होता है इंटरव्यू में बैठने का। अभी तो आप आराम से ये देखिए, न टाइट न लूज, ये बीच में, ठीक है। और जो चीजें नहीं आइडिया है एकदम गेस करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं सोचूं मैं बोलूं, हम लोग केबीसी तो खोल लेंगे, ठीक है ना, कि हॉटलाइन यूज करेंगे, फ्रेंड का लाइन यूज करेंगे। हम आपको कि सर हमको नहीं आता, जैसे आपसे कुछ पूछा गया एटा का, वहां पर आपने फालतू का जीटी रोड का नाम लिया, जीटी रोड पर 4 वो क्वेश्चन, जीटी रोड के बगल में तो हजारों एटा, हजारों बनारस, हजारों लखनऊ, क्या जरूरत? सर एटा का कोई साहित्यिक प्रमाण नहीं है, ये नाम जो है इन दो कहानियों से सुनने में आता है, अब इसमें क्या सही है क्या गलत है नहीं, बात खत्म हो गई। आप समझ रहे हो ना, कौन सा रोड गुजरता है, कौन सा आप एक्सप्रेसवे जाता है, एक्सप्रेसवे बोलेगा उस पर क्वेश्चन होगा, हाईवे बोलेगा उस पर क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, दूसरी चीज जो हॉबी है, दो हॉबी आपने बताया, क्या क्या? टीचिंग और टीचिंग खाली रखिए परीक्षा तक, और परीक्षा के बाद फिर ट्रेवलिंग कर लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में ट्रेवलिंग हटा दीजिए, समझ रहे हो ना, बखिया उधेड़ देगा। हम तो बोले नहीं, कलकत्ता कह रहे हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट समझा रहे थे, समझ रहे बात को, बखिया उधेर देंगे, कलकत्ता घूमे, विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है ना, तो सारा चीज हो जाएगा। तो वहां परीक्षा तक एक सजेशन है, बहुत अच्छा हॉबी आपका है कि भाई मैं गरीब बच्चों को जहाँ रहता हूँ लीजर टाइम में पढ़ाता हूँ, वहां ये नहीं पूछेगा कि टेबल कैसे पढ़ाते हैं या माइनस प्लस कैसे कराते, तो बात खत्म। तो ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए, बाकी ठीक है, डोंट वरी, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन गॉड। मैं भी यही कहना चाहती थी कि जो ज्यादा क्वेश्चन के रास्ते खोले, ठीक है, अब जैसे हमने तो पेपर ट्राई पूछ के तुम्हें वो कर दिया, लेकिन स्कोप तो बहुत है, जैसे सर ने पूछ लिया नदिया, पूछ लिया नॉर्थ ईस्ट, ये पूछ लिया, चाहे तो घूमे ना हो, लेकिन अब तुमने बोल दिया तो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, बाकी तुम्हारा बोलने का भी ठीक है, आंसर भी तुम अच्छे, बाकी सब ठीक है, खाली आप मुझे मार मत करो, लेकिन बस ये जैसे सर ने बोला है इंटरव्यू तक आपको गुस्सा नहीं आता, ठीक है, उसके बाद तुम जाके कुछ भी करो, लेकिन इंटरव्यू तक ये बिल्कुल मत बोल देना कि मुझे गुस्सा आता है, ठीक
क्योंकि वहीं पे थोड़ा रिजेक्शन हो जाएगा। जैसे मैं चेयरमैन को कॉल पर कर ले, कितना भी गुस्सा आना है वो सारा दबाना है जब तक सिलेक्शन ना हो। बस उग्रवाद को भूल से दिखाना है अपने लाल पर अपने साथ है। अच्छा, लोकल जानकारियां आपको होनी चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी नहरें जाती हैं हज, जिनको आप डर जाएं रात में देख के अकेले हों तो, आपको ये नहीं मालूम था। अच्छा, दूसरी ये यूपी सेंट्रिक जानकारियां ले लीजिए, ज्योग्राफी का नक्शा है ये, एक पॉलिटिकल नक्शा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो एक्सप्रेस वे हैं ये PPP मॉडल बन रहे हैं, जिसमें के प्राइवेट जो है बनाते हैं पैच में 25-25 किलोमीटर 50-50, वो अपना टोल वसूलते हैं उस पर 30-40 साल का, तो उसका फिर एग्जिट कम होती हैं उसमें, एक्सप्रेस वे में एग्जिट कम होती हैं, दोनों में डिफरेंस ये है। और जो हाईवेज हैं वो पुराने चल रहे हैं, वो चल रहे हैं तो उनमें सिटी में भी हो गए बाहर निकल रहे हैं, तो वो NHAI बनाती है, गवर्नमेंट की संस्था है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे तो NHAI के हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में आते हैं, ठीक। एक्सप्रेस वे जो है PPP मॉडल बने हुए हैं, बन रहे हैं, तो इसमें प्राइवेट बिल्डर आएंगे, प्राइवेट टोल भी इनका डिफरेंट है, उसका टोल जो है सस्ता पड़ता है गवर्नमेंट वाला NHAI का। ये जो प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं इनके टोल रेट ज़्यादा हैं कुछ, ये जानकारी रखिएगा। अब तो चारों तरफ पेपर करके नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, अच्छा दूसरी बात, न्यूज पेपर पढ़िएगा, आपके सौम्यता और प्रोजेक्ट मतलब हाँ बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका, आपको नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी, स्थानीय जानकारी, प्रदेश की जानकारी रख लीजिएगा। बोलते हुए आपकी आईब्रोज काफी ज्यादा ऐसे ऐसे करती हैं, वो एक्सप्रेशन वाइज सही नहीं। शेविंग करके आए हो आज? जाओगे वहां पे ग्रूमिंग दिखनी चाहिए, है ना, जैसे कि पॉम्पिंग ढंग से करो, बबुआ लगे, शेविंग अच्छे से करो, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट होती है ना। टीचिंग की बात करिए, राइट टू एजुकेशन आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूछी जाएगी। हॉबीज में अगर बोलोगे, ठीक है, उधर पे गए तो आपकी पूरी एजुकेशन रिलेटेड हिस्ट्री आ जाएगी, गुड्स डिस्पैच, ये सारी चीजें तो आप देख रहे हो ना। आप एक टॉपिक की बात करोगे तो डेप्थ में चलो, और या तो मत बोलो, ठीक है। मैं आपसे पूरे अलग क्वेश्चन पूछने वाला था, आपने मुझे क्वेश्चन दिए कि इसमें से पूछो आप, ठीक है। बाकी सब आपका ठीक है।